नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों स्वागत है आप लोगों का टेक्निकल जीनियस चैनल में। दोस्तों मेरा नाम है विकास कुमार और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों अगर आपका कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर अगर आपका सेविंग अकाउंट है और आप लोग चाहते हो कि कोटक महिंद्रा का जो सेविंग अकाउंट है उसके अंदर ईमेल आईडी को अपडेट करना, तो किस तरीके से ईमेल आईडी को अपडेट कर सकते हो, किस तरीके से ईमेल आईडी को चेंज कर सकते हो कोटक महिंद्रा बैंक अकाउंट के अंदर। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिल्कुल मैं आपको स्टेप बाय स्टेप और बारीकी तरीके से समझाऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा लाइव प्रूफ की किस तरीके से आप कोटक महिंद्रा का जो अकाउंट है आपका उसके अंदर किस तरीके से ईमेल आईडी को अपडेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन दोस्तों स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूंगा अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। तो चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको दिखा दूं कि कोटक महिंद्रा का जो बैंक है आपका उसके अंदर सेविंग अकाउंट जो है उसके अंदर कैसे ईमेल आईडी को अपडेट कैसे चेंज करते हैं। दोस्तों अगर आप कोटक के यूजर हो तो आपके पास ये वाला एप्लीकेशन जरूर होगा, इस एप्लीकेशन को आप जरूर यूज कर रहे होंगे। अगर आप इस एप्लीकेशन को यूज नहीं कर रहे हो तो प्ले स्टोर में आपको जाना है और इस एप्लीकेशन को जो है डाउनलोड कर लेना है, जो कि कोटक 811 मोबाइल बैंकिंग के नाम से एप्लीकेशन होगा। मैं इसका लोगो आपको दिखा देता हूँ, आप यहाँ पे देख लो, इस वाले एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों जब आप ये एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लोगे तो इस पर आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है, यानी लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों सिंपली आपको अपने इस एप्लीकेशन पे आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपली देखिए कुछ इस तरीके से आपका होम पेज खुलेगा एप्लीकेशन का। इस एप्लीकेशन के थ्रू आप कोटक का जो आपका सेविंग अकाउंट है उसको कई हद तक आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है। जब दोस्तों ये एप्लीकेशन आपका खुलेगा तो आपको क्या करना है, सिंपली नीचे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर सर्विस रिक्वेस्ट का ऑप्शन आ रहा है फोर्थ नंबर पर, आप देख सकते हो। तो सर्विस रिक्वेस्ट वाला ऑप्शन में आपको चले जाना है। जब दोस्तों इस पर आप क्लिक करोगे तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर प्रोफाइल के एक ऑप्शन आएगा, प्रोफाइल वाला ऑप्शन में आपको चले जाना है। जैसे दोस्तों आप प्रोफाइल वाला ऑप्शन में जाओगे तो यहाँ पे ईमेल आईडी अपडेट, पैन कार्ड अपडेट, आधार नंबर अपडेट, तो यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे आपको। बट दोस्तों अगर आपको ईमेल आईडी को अपडेट करना है कोटक महिंद्रा सेविंग अकाउंट के अंदर तो आपको क्या करना है, ईमेल आईडी अपडेट वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन पर आपको जाना है। जैसे दोस्तों यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे अपना आपको क्या पिन डालना पड़ेगा, एम पिन जो भी आपने बनाया है, तो मैं यहाँ पे एम पिन डाल देता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एम पिन डाल दिया, एम पिन डालने के बाद दोस्तों मैंने इसको लॉग इन कर लिया है। जब दोस्तों यहाँ पे एम पिन आप डाल दोगे तो कुछ इस तरीके से आपका ये लॉग इन हो जाएगा, ठीक है, यानी कुछ इस तरीके से यहाँ पे लोड लेगा। लोड लेने के बाद दोस्तों अब आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ईमेल आईडी अपडेट का ऑप्शन आ गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों योर करंट ईमेल आईडी। तो दोस्तों जो भी आपका करंट में ईमेल आईडी इसके अंदर रजिस्टर होगा वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। बट दोस्तों अगर आपको इसके अंदर ईमेल आईडी को अपडेट करना है तो आपको क्या करना है, सिंपली अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो चलो दोस्तों अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखो यहाँ पे कह रहा है ईमेल आईडी अपडेट, तो दोस्तों यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, जो भी ईमेल आईडी आपको यहाँ पे अपडेट करना है वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डालना है। तो चलो दोस्तों फटाफट से मैं जो ईमेल आईडी यहाँ पे अपडेट करूंगा वो ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद दोस्तों देखो नीचे कह रहा है रीइंटर ईमेल आईडी, वही ईमेल आईडी यहाँ पर भी आपको डालना है जो आप ऊपर डालोगे जो अपडेट करोगे, दोनों जगह वही सेम आपको ईमेल आईडी डाल देना है। तो चलो दोस्तों फटाफट से मैं इन दोनों जगह पे ईमेल आईडी डाल देता हूँ। तो दोस्तों अब आप देख सकते हो मैंने ईमेल आईडी डाल दिया, ऊपर भी मैंने ईमेल आईडी डाल दिया, वही ईमेल आईडी सेम मैंने नीचे यहाँ पे डाल दिया रीइंटर ईमेल आईडी में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका सीआरएन नंबर कोटक महिंद्रा बैंक का जो भी आपका सीआरएन नंबर है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। जस्ट उसके नीचे जिसके भी नाम पे ये अकाउंट है उनका नाम यहाँ पे शो हो जाएगा और उसके नीचे दोस्तों यहाँ पे देखो लिखा गया न्यू ईमेल आईडी। तो न्यू ईमेल आईडी आपका जो भी ईमेल आईडी आपने डाला है वो न्यू ईमेल आईडी यहाँ पे शो हो जाएगा, सिंपल आपको कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखो यहाँ पे कह रहे हैं प्लीज चूज एनी ऑफ द ब्लो मेथड टू ऑथेंटिकेट। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपली आपको ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे दोस्तों आप यहाँ पे ओके करना है और यहाँ पे आपको जो भी आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर आपके अकाउंट में उस पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डाल के यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। जैसे दोस्तों आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे वैसे दोस्तों आपके 24 घंटे के अंदर आपका जो ईमेल आईडी है आपके अकाउंट में सक्सेसफुली इसके अंदर अपडेट हो जाएगा। बट दोस्तों मुझको अभी ईमेल आईडी को अपडेट नहीं करना है तो इसलिए मैंने दोस्तों ईमेल आईडी को मैं अपना अपडेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जो भी आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा उस पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी देख के यहाँ पे डाल देना, ठीक है, और सबमिट कर देना। 24 घंटे के अंदर आपका ईमेल आईडी जो इसके अंदर सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से ईमेल आईडी को अपडेट कर सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ।